हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिस्ट्री, सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसमें हमें द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री, इसके बारे में जान के लेना है, समझ के लेना है। अब देखिए फ्रेंड, जब ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो हमें तीन पॉइंट पे फोकस करना है, द ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और तीसरा पॉइंट दिखेगा फ्रेंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये तीन पॉइंट को हमारे को इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीख के लेना है और इनके बारे में, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज हमें दिया जाएगा उसको अच्छे से हमें समझ के लेना है। अब पर्टिकुलरली देखिए फ्रेंड, हम जब ये आज के लेक्चर में पॉइंट नंबर फर्स्ट के जो कंसेप्ट ऑफ पॉइंट है उसको हम कवर करेंगे, सीख के लेंगे, जान के लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा मैं, जब ये पर्टिकुलर लेक्चर में सिखाना आपको स्टार्ट करूँ तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने पास में रखें, ताकि मैं जो आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज दे रहा हूँ या सिखा रहा हूँ तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, समझ में आए, और उसके बाद में आप अपने क्लास की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि अगर से कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है तो उसको उसमें नोटबुक में आप रिकॉर्ड भी कर सकें। ठीक है, देर ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री, ये जो हमारा लेक्चर है इसको स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमें इसमें जो जान के लेना है, सीख के लेना, उसके बारे में ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड हिस्ट्री। अब देखिए फ्रेंड, जो हिस्टोरिकल मूवमेंट रहती है या हिस्ट्री रहती है उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन से किस तरह से रिलेशन बनता है या किस तरह से दोनों एक दूसरे के को रिलेशन में रहते हैं या कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ये हम चीज़ को इस पॉइंट में कवर करने वाले। देखिए, इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड वी सॉ एट अ सम लेंथ ऑफ लेंथ दैट देयर इज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। वी सॉ हाउ द चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द अर्लियर मैन एंड हिज technology were related to the changes in his surroundings. अब देखिए फ्रेंड, जब पर्टिकुलर हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे या क्लास पांचवी में जब हम थे, तो आपको पता है हमने जो हिस्ट्री सब्जेक्ट था क्लास फिफ्थ के हिस्ट्री सब्जेक्ट में हमने किस तरह से एक ह्यूमन, पर्टिकुलर जो ह्यूमन है, खुद को किस तरह से डेवलपमेंट करके लिया और डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका नेचर किस तरह से था, ये सारी बातें हमने लास्ट ईयर के जो टॉपिक था सब्जेक्ट हिस्ट्री, इसमें हमने कवर करे वाले। और हमने देखा ना फ्रेंड कि किस तरह से जो आदि मानव था या जो एंशियंट ह्यूमन थे, उन्होंने किस तरह से खुद को, अपनी जो लाइफ स्टाइल है या टेक्नोलॉजी है उसमें किस तरह से डेवलपमेंट किया और किस तरह से वो डेवलपमेंट का उन्होंने अलग अलग तरह के उनकी डेली रूटीन ऑफ लाइफ में चेंजेस करके लिया, ये सारी बातें हमने लास्ट ईयर के हिस्ट्री सब्जेक्ट में फिफ्थ स्टैंडर्ड के पढ़े हुए है। वी आल्सो रिसीव्ड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉर द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन दैट द फ्लोरिश ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। हमने ये भी देखा ना फ्रेंड, लास्ट ईयर में जब हमने पढ़ा ह्यूमंस के डेवलपमेंट्स के बारे में या ह्यूमंस के डेवलपमेंट से रिलेटेड के बारे में जब हमने पढ़ा लास्ट ईयर, तो हमने ये भी साथ ही साथ देख के लिया कि किस तरह से एक पर्टिकुलर जो ह्यूमन है, जो होमोसेपियन, उन्होंने किस तरह से एक पर्टिकुलर जो स्टोन एज थी उससे धीरे धीरे अपना खुद का जो डेवलपमेंट है नॉलेज और एनालाइजेशन की पावर के बिहाफ पे खुद का सेल्फ डेवलपमेंट कैजुअल
किस तरह से करके लिया, ये ऑल ओवर सभी बातें हमने लास्ट ईयर के लेक्चर में सीखे वाली है। और बाद में साथ ही साथ फ्रेंड हमने ये भी देखा कि किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर करना या एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया, फार्मिंग को स्टार्ट किया, ये सारी बातें हमने लास्ट ईयर के लेक्चर में कवर की। और इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा फ्रेंड कि जब एग्रीकल्चर यानी कि फूड की अवेलेबिलिटी उनको कम्प्लीटली होने लगी तो एक सिविलाइजेशन किस तरह से धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ, और जो पहले जो सिविलाइजेशन थे एक रिवर के पास यानी कि एक नदी के पास किस तरह से डेवलप हुए, ये लास्ट ईयर के टाइम पे हमने पूरी बातें जान के ली, सीख के ली फ्रेंड और समझ के लिए वाली है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं हम हिस्ट्री इज अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर टाइम प्लेस सोसाइटी एंड इंडिविजुअल आर द फोर मेजर पिलर्स ऑफ द हिस्ट्री। अब देखिए फ्रेंड, आप सभी को पता है जो हिस्ट्री का जो ये रहता है प्रोग्रेस या उनका जो एक टाइम पीरियड रहता है, अब उसको आप सभी को पता है उसको एक सिक्वेंसली अरेंज करना पड़ता है या उसको मैनेज करना पड़ता है टाइम के बिहाव पे, जगह के बिहाव पे, सोसाइटी के बिहाव पे और इंडिविजुअल पर्सन के बिहाव पे। एक सिक्वेंसली इनको क्या करना पड़ता है, जब कभी भी आप किसी भी हिस्ट्री ह्यूमन सिविलाइजेशंस या ह्यूमंस की हिस्ट्री लिख रहे या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की हिस्ट्री लिख रहे तो उसको एक डे टू डे टाइम कैरेक्टर जगह और सोसाइटी के आधार पे उसका कैटेगराइजेशन किया जाता है और उनमें उसको बांटा जाता है और सिक्वेंसली उसके बारे में फिर रीड किया जाता है अरेंज करने के बाद, और यही हिस्ट्री के फोर मेजर पिलर कहे जाते हैं फ्रेंड या आधार स्तंभ कहे जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जब कभी भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे। वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम, और हम कोई भी अगर से जो हिस्ट्री के हिस्टोरियन एक्सपर्ट है अगर से ये जो मैंने फैक्ट कहा फ्रेंड टाइम प्लेस सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, अगर से ये जो पास्ट इवेंट में हुए वाले जो सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंट जो इवेंट हो रहे किसी टाइम पे जगह पे या सोसाइटी में या इंडिविजुअल पर्सन पे, तो अगर से देखिए फ्रेंड अगर से इनके बगैर हम हिस्ट्री की स्टडी करने चाहे तो हमें स्टडी करना पॉसिबल है क्या फ्रेंड, बिल्कुल ही नहीं। और हमें स्टडी करने के लिए इन मेजर फोर मेजर पिलर्स की हमारे को हेल्प लेनी पड़ती और उनके आधार पर उनको कैटेगराइजेशन भी करना पड़ता है। ऑफ दिस फोर कॉम्पोनेंट प्लेस इज द रिलेटेड टू द ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशन, और ये जो फोर पिलर है फ्रेंड जिस तरह से हिस्ट्री या हिस्टोरिकल जो इवेंट होते हैं उनसे जिस तरह से ये रिलेशन बनाते हैं ठीक उसी तरह से ज्योग्राफिकल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो रहती है यानी कि भूगोल और भूगोलिक परिस्थिति जो रहती है या सिचुएशन जो रहती है उनसे भी ये रिलेशन बनाते हैं फ्रेंड। इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर द इम्पेरिबल। अब इसी के आधार पे बोल सकते हैं कि हम जो इतिहास और भूगोल है इसका जो क्या है एक अटूट यानी कि इम्पेरिबल रिलेशन बना हुआ है। अब अगर देखिए फ्रेंड हिस्ट्री इज अ इन्फ्लुएंड बाय द ज्योग्राफिकल कंडीशन इन मेनी वेज। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हिस्ट्री के अलग अलग तरह के जो इवेंट रहते हैं ना या अलग अलग तरह के जो इंसिडेंट रहते हैं वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस को खास करके इंसुलेंट या प्रभाव करते हैं या इंपैक्ट उन पे डालते हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है या हमें बताया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड आगे हम बढ़ते हैं, आगे समझ के लेते हैं पर्टिकुलरली आगे के पॉइंट को हम रीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है फ्रेंड, अवर डाइट क्लॉथिंग हाउसिंग ऑक्यूपेशन इन अ फैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन्स डिपेंड टू द लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स ज्योग्राफिकल कैरेक्टराइज। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ वन सेकेंड ऑफ फ्रेंड द लाइफ ऑफ पीपल इन हिली
हाईली रिचर्ड्स इज मोर स्ट्रेनियस देन द दैट ऑफ पीपल ऑस प्लेन नॉट अ मच फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल इन द हाईली रीजन वाइल इन द प्लेन इट्स इज अवेलेबल ऑन द लार्ज स्केल दैट इज द वे ग्रेन्स एंड वेजिटेबल आर स्केयर इन हाईली एरियाज इज कंपेरिजन पीपल ऑन द प्लेन गेट देम इन द सफिशंट मेजर्स नेचुरली दिस हैज एन इम्पैक्ट ऑन डाइट ऑफ द पीपल इन हाईली रीजन पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड. देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है आपके खान पान मतलब कि आपके डाइट और आपके जो गेटअप है या जो क्लॉथिंग है मतलब कि जो आप पहन रहे हैं, आपका घर, आपका एरिया, ये खास करके ह्यूमंस की जो डेली रूटीन की लाइफ रहती है उसको खास करके इंपैक्ट करते हैं. मतलब कि आपका जो खाना आप किस तरह से खा रहे हैं, जो जगह पे पर्टिकुलरली आप खाए और आप कपड़े किस तरह से पहन रहे हैं, आपका जहाँ पे आप रह रहे हो घर किस तरह से है और जहाँ पे आप रह रहे हो उसके आजू बाजू का एरिया किस तरह से, ये खास करके जो ह्यूमन लाइफ रहती है इसको उसके ऊपर डिपेंड रहती है और उसको इंपैक्ट भी करती है. यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्रेंड. अब देखिए फ्रेंड, फॉर एग्जांपल अब ये चीज़ इतना कैसे इफेक्ट करती है इसको समझने के लिए नीचे हमें ये बताया गया वाला है कि जो हाईली रीजन रहता है, हाईली रीजन पे जो पीपल्स रहते हैं उनकी जो लाइफ रहती है एज कंपेयर जो प्लेन एरिए में रहने वाले पीपल है उनसे थोड़ी स्ट्रीमियस मतलब कि कठिन या हार्ड रहती है. क्यों रहती है फ्रेंड? क्योंकि जो हाईली रीजन या ऊंचे पहाड़ी या पीक पे रहने वाले जो पीपल रहते हैं उनको खास करके फूड की अवेलेबिलिटी होती है क्या फ्रेंड? नहीं. ज़्यादातर के मोर देन लार्ज स्केल पे फूड की अवेलेबिलिटी होती है क्या? नहीं होती है फ्रेंड. उसके बाद में इनका जो कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट भी रहता है पीपल टू पीपल, ये भी कहा जाता है ऐसा ना के बराबर रहता है. और उसके बाद में आप देखोगे फ्रेंड, ऐसे जो छोटे छोटे बातें जो हाईली रीजन पे रहने वाले पीपल है उनके कपड़े से लेकर खाने और उनके जो डाइट प्लान है या उनके अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी है वो कभी भी एज अगर से आप कंपेयर करें जो प्लेन एरिया में रहने वाले पीपल है उनके साथ, तो कभी भी आप हाईली जो रीजन में रहने वाले पीपल है उनको कमी ही पाओगे. अब देखिए फ्रेंड, हाईली जो रीजन में रहते हैं पीपल उनको फूड की अवेलेबिलिटी भी ना के बराबर होती है और इसलिए उन्होंने खास करके आप सभी को पता है कि वो हंटिंग और गैदरिंग मतलब कि शिकार करना और मांस इकट्ठे करना इसके ऊपर रहते हैं और बाद में जो नेचर में जंगल में जो छोटे मोटे चीज़ें मिलते हैं उनके ऊपर खास करके वो क्या रहते हैं? डिपेंड ऑन रहते हैं. पर इसके कंपेयर में अगर से हम प्लेन रीजन में रहने वाले पीपल्स को अगर से हम देखें तो वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी भी जो होती है, फूड की अवेलेबिलिटी जो होती है प्लेन एरिया में रहने वाले पीपल की, ये लार्ज स्केल पे होती है एज कंपेयर हाईली रीजन में रहने वाले पीपल की. क्योंकि फ्रेंड, यहाँ के जो प्लेन रीजन में जो पीपल रहते हैं उनके लिए एक सफिशिएंट लैंड जो होता है लैंड वो अवेलेबल होता है जिसके ऊपर वो फार्मिंग कर सकते हैं और अलग अलग तरह के फूड या वेजिटेबल या वेजिस वो उगा सकते हैं और वो उनको डेली अपने जो लिविंग के लिए ज़रूरी है तो उनका कंजप्शन करके जिंदे रह सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड. उसके बाद में देखेंगे फ्रेंड कि जो खास करके जो हाईली रेंज पे पीपल रहते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, पर जो प्लेन रीजन में रहते हैं फ्रेंड उनको पीपल्स को सर्वाइव करने के लिए उतने चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है क्या? नहीं फ्रेंड. और यहाँ पे दूसरी एक बात, जो प्लेन एरिया में जो पीपल रहते हैं उनको अलग अलग तरह के ग्रेन्स और अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स मिलते हैं, पर हाईली पीपल्स को ये मिलते हैं क्या फ्रेंड? ना के बराबर मिलते हैं और उनको शॉर्टेज होता है या स्केयरसिटी होती है, ना के बराबर मिलते हैं, वो मिलते भी है तो. और देखिए फ्रेंड, आप सभी को पता है प्लेन एरिया में रहने वाले जो पीपल रहते हैं उनकी जो फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो सफिशेंट अमाउंट में होती है, पर जो देखा जाए हाईली रीजन पर रहने वाले जो पीपल रहते हैं उनकी फूड की अवेलेबिलिटी सफिशेंट अमाउंट में होती है क्या फ्रेंड? बिल्कुल ही नहीं, ना के बराबर होती है.
और देखिए फ्रेंड यहाँ पे तो ये बात हो गई, फिर नेचुरली ही इज द हैज इम्पैक्टेड डाइट ऑफ द पीपल। अब यही एक रीज़न है जो इनके खास करके ये जो नेचर का जो देखिए ना हमने ज्योग्राफिकल कंडीशन उसके भी हाँ पे हम कह सकते हैं कि इनके डाइट प्लान और अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी है इसको इम्पैक्ट करते हैं ये चीज़ें। और देखिए फ्रेंड इन हाईली रीजन पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, और वो जो पीपल रहते हैं आप सभी को पता है फ्रेंड शिकार करना और आजू बाजू के जो इन्वायरमेंट में छोटे मोटे जो फूड वगैरह रहते हैं उनको कलेक्ट करना और उनको ईट करना या खाना इनके ऊपर ही वो डिपेंड रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, वी ऑल्सो फाइंड अवर सच डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ हाईली रीजन एंड दोस ऑफ द प्लेन रीजन। ये दोनों का भी हमने देखा ना फ्रेंड किस तरह से हाईली रीजन पे और जो देखे ना फ्रेंड जो प्लेन रीजन पे रहने वाले पीपल रहते हैं उनका किस तरह से इम्पैक्ट करता है, किस तरह से उनकी जो डेली रूटीन लाइफ रहती है वो किस तरह से ये जो क्लाइमेटिकली ज्योग्राफिकली जो कंडीशन रहती है किस तरह से इम्पैक्ट करती है और इनकी किस तरह से चेंजेस आते हैं ये सारी बातें हमने यहाँ पे कवर की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, द क्लाइमेट रेनफॉल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्लोर एंड फोना ऑफ द रीजन वेयर वी लिव आर द सोर्सेस ऑफ अवर लिवलीहुड। द लाइफ स्टाइल एंड द कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप्स विद देयर सपोर्ट ह्यूमन सेटलमेंट हैव फ्लोरिश वेयर द मीन्स ऑफ द लिविंग आर प्लेंटीफुल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस सेटलमेंट डेवलप फर्दर इंटू विलेज एंड टाउन बट समटाइम रीजन्स लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट ड्रॉ इन्वेजन्स एक्सेट्रा लीड lead lead to the scarcity of the means people are forced to leave their settlement villages and towns become the desert. We see many such intents in history thus we see that there is a very close relation between the history and geography. देखिए फ्रेंड डियर फ्रेंड जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटेंस पढ़ा उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा। अब देखिए फ्रेंड जहाँ पे हम रहते हैं जो एरिया में पर्टिकुलर हम रहते हैं वो पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट रेनफॉल एग्रीकल्चर और प्रोड्यूस ऑफ फ्लोरा एंड फोना मतलब कि देखिए फ्रेंड अगर से जो पर्टिकुलर एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ का अगर से क्लाइमेट हमारे रहने लायक या डिजर्वेबल है वहाँ पे हम रह सकते हैं तो हम वहाँ पे धीरे धीरे कैजुअल तरीके से हम एक प्रॉपर सेटलमेंट करते हैं और जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो एनुअल रेनफॉल है वो हो रहा है और एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक तरीके से हो रहा है जिसके ज़रिए हम अलग अलग तरह के फूड पेडी या जो अलग अलग तरह के जो हमारे जो डेली रूटीन के जो फूड लगते हैं उसको हम एग्रीकल्चर के थ्रू उगा रहे या प्रोड्यूस कर रहे तो हमारे वहाँ पे आप देखोगे कि एक अलग तरीके का वहाँ पे क्या होएगा एक कल्चर और एक लाइफस्टाइल वहाँ पे डेवलप होता है और धीरे धीरे वहाँ पे एक नई आपको ऐसा देखने को मिलेगा एक सिविलाइजेशन आ रहा है एक नया कल्चर वहाँ पे डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे वहाँ पे जो पर्टिकुलर रीजन्स में जो लोग रह रहे हैं उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और उनकी मेजोरिटी भी क्या हो रही है धीरे धीरे कैजुअल तरीके से बढ़ते जा रही है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड हमने लास्ट ईयर में पढ़ा कि देखते हैं ना फ्रेंड जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे डेवलपमेंट हुए वाला है इंडस सिविलाइजेशन के या इंडस रिवर के इधर हुआ वाला है तो वहाँ पे देखिए फ्रेंड वो ह्यूमंस को बढ़ने के लिए वहाँ पे एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक तरह से थी
और वहाँ पे आसपास का जो देखिएगा आप हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया या मोहनजोदड़ो वहाँ पे, तो वहाँ पे फर्टाइल लाइन था। इस तरह के एग्रीकल्चर और क्लाइमेटिकली उनको जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे डिजर्वेबल हुआ, तो एक अलग तरह का वहाँ पे कल्चर भी डेवलप हुआ और धीरे धीरे प्रॉपर वहाँ पे लोगों का सेटलमेंट होना भी स्टार्ट हुई है, ये आप वहाँ पे देखोगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड वहाँ पे धीरे धीरे प्रॉपर जो सेलेक्टेड पीपल्स रहते हैं या सेलेक्टेड अमाउंट में वहाँ पे जो पीपल्स एक जगह पे रहते गेट टुगेदर रहते हैं, तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि क्लाइमेट और अलग अलग तरह की जो ऊपर की चीज़ें कुछ देर पहले आपको मैंने बताया वो अगर से वहाँ पे डिजर्वेबल है तो वहाँ पे धीरे धीरे एक ऐसा आपको फील होगा या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एक सोसाइटी, एक कल्चर और एक कि नहीं एक जो सिविलाइजेशन से वहाँ पे डेवलप हो रहा है। और ये डेवलप होने के साथ ही साथ तुम्हें कुछ टाइम बाद ऐसा आप देखोगे वहाँ पे कि वहाँ के जो एरिया की पॉपुलेशन से वो क्या हो रही है, लार्ज स्केल पे बढ़ रही है। अब ये पॉसिबल क्यों होता है फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है उस वजह से होता है। जैसे लाइक दैट आप इंडस सिविलाइजेशन का अगर से हम एग्जाम्पल देखिए तो वहाँ पे यही चीज़ें ऊपर के जो चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ें या जो कॉस्ट है वो वहाँ की इंडस सिविलाइजेशन को डेवलप होने के लिए बहुत ही हेल्पफुल थे। पर देखिए फ्रेंड, अगर से जो पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पे बार बार ड्रॉट आ रहा है और इन्वेडर आप पे अटैक कर रहे हैं, मतलब कि आपके बाहर के जो परकीय लोग आए उन्होंने आप पे अटैक कर रहे हैं, बार बार ड्रॉट हो रहा है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है आप जहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे लोग या जो पीपल्स है वो ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। धीरे धीरे वहाँ पे आप ऐसा पाओगे या ऐसा स्टडी करने को देखने को मिलेगा आपको कि वहाँ पे जो लोग प्रॉपर जो सेटलमेंट करके रह रहे थे ये जो कॉजेस है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ड्रॉट और जो इन्वेडर से वो अटैक कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगा कि वो लोग धीरे धीरे वहाँ से क्या कर रहे हैं, गाँव को या जो सिटी है उसको छोड़ रहे हैं। और कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का भी जो डिग्रेडेशन हुए वाला है, तो इसी कारण या इसी कारण से हुआ ऐसा कहा जाता है, और इसमें सबसे प्रमुख कारण यही बताया जाता है। और देखिए फ्रेंड, इसलिए ही कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी के इनका दोनों का भी एक क्लोजली रिलेशन है, इसलिए दोनों को भी जब कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया की आपको हिस्ट्री पढ़ना है या हिस्ट्री की इवेंट्स को अच्छे तरीके से प्रॉपरली जानना है तो वहाँ के प्रॉपर एरिया की हमारे कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस को भी ठीक तरह से पहचानना, जानना, समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, इसी के संगात आज का मैं जो पर्टिकुलर लेक्चर है यहीं पे स्टॉप करूँगा, और जब हम कल मिलेंगे तो आपको पॉइंट 1.2 के संगात मिलेंगे, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ के लेंगे, इसके कुछ पॉइंटों को कवर भी करेंगे और समझ के लेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, और कमेंट में अगर से इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ डाउट रहता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमें, और आपको ये लेक्चर ज़रूर बताइए हमें कि कमेंट में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। आपके एक लाइक से हमें इस तरह के जो एजुकेशनल वीडियो है वो बनाने को मोटिवेशंस मिलता है और आपसे इंस्पायर होकर हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं फ्रेंड। और ये चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंडों के पास शेयर भी करें जिनको एजुकेशन की खास करके ज़रूरत है, जो एजुकेशन लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट तक, उन लर्नर तक भी ये चैनल को ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल को लास्ट में कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, बाय, टेक केयर।